हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका पढ़ रहे थे, जो कि राजस्थान सेकंड ग्रेड जीके हिस्ट्री का, राजस्थान की हिस्ट्री का एक टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में महिलाएं। तो आप ये याद रखें कि 2013 में इससे दो क्वेश्चन आए थे और 2017 में अभी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो अगले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और ये पहला है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इससे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका में पहली महिला है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार रही है, पूर्व सांसद हैं और 1984 में पद्मश्री से सम्मानित महिला है। पूर्व सांसद, 1984 में पद्मश्री से सम्मानित। इनका जन्म कब हुआ था? 24 जून 1916 को देवगढ़ ठिकाना मेवाड़ में। और इनका उपनाम क्या है? रानी जी। रानी जी इनका उपनाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। इनके पति का नाम था रावतसर के तेज सिंह। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजनीति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी थी। राजनीति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी। 11 वर्ष तक राज्य विधानसभा की सभानेत्री रही। ये आप याद रखें कि कौन सी महिला 11 वर्ष तक राज्य विधानसभा की सभानेत्री रही, तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। 1972 से 1978 तक राज्यसभा की भी सदस्य रही थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। 72 से 78 तक राज्यसभा की सदस्य रही और 11 वर्ष तक राज्य विधानसभा की सभानेत्री रही। राज्यसभा में महिलाओं के लिए जीवन बीमा निगम और सार्वजनिक निर्माण विभागों में महिला मजदूरों को पुरुषों के समान दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष किया था। तो ये आप सारी लाइनें याद रखें। सत्य असत्य क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो आप याद रखें कि राज्यसभा में महिलाओं के लिए जीवन बीमा निगम और सार्वजनिक निर्माण विभागों में महिला मजदूरों को पुरुषों के समान दर्जा दिलाने के लिए किसने संघर्ष किया था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। पिता के जीवित रहते हुए माँ को नाबालिग बच्चों के संरक्षक के रूप में मान्यता दिलाने में कामयाबी हासिल की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। कि पिता जीवित है फिर भी माँ को नाबालिग बच्चों के संरक्षक के रूप में मान्यता दिलवाना में किसने कामयाबी हासिल की? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। 1978 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीय प्रतिनिधि कौन बनी थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बगड़ावत, पाबूजीरी बात, कैसे करें चकवावात, करणी चरित्र, माजल रात, मुमल और सांस्कृतिक राजस्थान। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सत्य असत्य में से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 11 वर्ष तक ये राज्य विधानसभा की सभानेत्री रही, राजनीति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी, 72 से 78 तक राज्यसभा की सदस्य रही और महिलाओं के लिए जीवन बीमा निगम और सार्वजनिक निर्माण विभागों में महिला मजदूरों को पुरुषों के समान दर्जा दिलाने के लिए राज्यसभा में संघर्ष किया। और पिता के जीवित रहते हुए माँ को नाबालिग बच्चों के संरक्षक के रूप में मान्यता दिलवाई। और न्यूयॉर्क में 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि बनी थी। और 1984 में ये पद्मश्री मिला था। अब दूसरी महिला है अल्लाह जिल्ला बाई। और 1902 से 1992 इनका जन्मकाल है। उपनाम राजस्थान की मरु कोकिला, बीकानेर की मांड गायिका। क्या क्या उपनाम है इनके अल्लाह जिल्ला बाई के? राजस्थान की मरु कोकिला, बीकानेर की मांड गायिका। गुरु है इनके उस्ताद हुसैन बख्त। अल्लाह जिल्ला बाई के गुरु का नाम है उस्ताद हुसैन बख्त। राजस्थान की मांड गायकी को विश्व के लोक संगीत के शिखर पर पहुंचाने का कार्य किसने किया था? अल्लाह जिल्ला बाई ने। 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को तो 1984 में किया गया था और अल्लाह जिल्ला बाई को 1982 में। अल्लाह जिल्ला बाई की स्मृति में बीकानेर में अखिल भारतीय मांड गायन समारोह का आयोजन होने लगा। अल्लाह जिल्ला बाई को 1976-77 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1987 में अल्लाह जिल्ला बाई ने लंदन में अपनी गायकी की गहरी छाप छोड़ी थी। तो ये हो गई अल्लाह जिल्ला बाई। अब आती है तीसरी, गौरी या गोरी बाई। गौरी या गोरी बाई वागड़ की मीरा कही जाती है और मीरा का अवतार मानी जाती है। इनका जन्म 1815 में डूंगरपुर में हुआ था। गौरी बाई के लिए डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने
एक मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था मंदिर गौरीबाई के लिए? डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने इनके लिए एक मंदिर बनवाया था। और गौरीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी में। अब आती है सहजोबाई, जो कि प्रथम स्त्री महंत कहलाती हैं। प्रथम स्त्री महंत कौन थी? सहजोबाई। ये कृष्ण भक्त थी। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? सोलह तिथि, शब्दवाणी और सहज प्रकाश। तो सह सह से याद रखें आप, सहजोबाई से सोलह तिथि, शब्दवाणी और सहज प्रकाश। और ये प्रथम महिला संत थी, महंत थी, प्रथम स्त्री महंत थी सहजोबाई। अब आती है दयाबाई। दयाबाई जो थी वो चरणदास की शिष्या थी, संत चरणदास की शिष्या, जिसने शिष्य परंपरा प्रारंभ की। संत चरणदास जी थे जिन्होंने शिष्य परंपरा प्रारंभ की थी। ये अपन राजस्थान के कल्चर में पढ़ेंगे चरणदास जी। दयाबाई की रचना है दयाबोध 1818 में। और दयाबाई की समाधि कहाँ है? बिठूर में। दयाबाई की समाधि है बिठूर में और रचना है इनकी दयाबोध। अब आती है डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति की कन्या थी। डालीबाई मेघवाल जाति की कन्या थी और ये रामदेव जी की भक्त थी। इन्होंने रामदेव जी को राखी बंध भाई बनाया था। रामदेव जी ने जब समाधि ली थी उससे एक दिन पूर्व ही इन्होंने अपनी समाधि ले ली थी। डालीबाई ने जब रामदेव जी ने अगले दिन समाधि ली थी तो उससे एक दिन पहले ही इन्होंने डालीबाई ने अपनी समाधि ले ली थी। गंवरीबाई डूंगरपुर, ये अपन ने पढ़ लिया है, वागड़ की मीरा कहा जाता है इन्हें। और इनके लिए मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने। अब आती है समानबाई चारण, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अलवर निवासी समानबाई चारण थी, जो कि राधा कृष्ण की भक्ति में इतनी डूब गई कि जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, ताकि प्रभु के अलावा किसी अन्य के दर्शन नहीं हो सके। तो आप याद रखें कि वह महिला, आधुनिक काल की महिला, जिसने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि प्रभु के अलावा किसी अन्य को न देख सके, तो ये कौन थी? अलवर की सम्मानबाई चारण। और इन्हें मत्स्य की मीरा भी कहा जाता है। ये अलवर की थी इसलिए इन्हें मत्स्य की मीरा भी कहा जाता है। अब आती है गंगाबाई। ये गंगाबाई गोस्वामी विठल दास की शिष्या थी और ये कृष्ण भक्त थी। कर्माबाई, ये भी अलवर निवासी कृष्ण भक्त थी। ताज बेगम, ये फतेहपुर के नवाब फदन खां की शहजादी थी, जो कि कृष्ण भक्त थी। ये आप याद रखें कि फतेहपुर के नवाब फदन खां की शहजादी, जो कि कृष्ण भक्त थी, ताज बेगम। रानी रूपादे निर्गुण संत परंपरा की प्रमुख समर्थक, निर्गुण संत परंपरा की प्रमुख समर्थक। अब आती है रानी रत्नावती, जो कि भानगढ़ के शासक माधो सिंह की पत्नी थी, जो कि कृष्ण भक्त थी। अब आती है रानी अनुपकुंवरी। इसकी एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा में वह आधुनिक काल की महिला जिसने कृष्ण श्रृंगार और राधा कृष्ण लीला की रचना की थी, कौन है? रानी अनुपकुंवरी। इन्होंने राजस्थानी भाषा में कृष्ण श्रृंगार और राधा कृष्ण लीला की रचना की थी। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं और राजनीति में महिलाएं। इसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान की हिस्ट्री का। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।